जैसा कि आपने देखा 15 तारीख को अमीश देवगन जो है एंकर न्यूज़ 18 के, किस तरीके से उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की, और लगता ही नहीं है कि वो एंकर का रोल अदा करते। इन लोग के दिमाग में एक इस्लामोफोबिया बैठा हुआ है, जिसको कोई, जिसका लाइलाज बीमारी है। वक्त के हुक्मरानों से अभी भी गुजारिश करते हैं कि कम्युनल वायरस का तोड़ भी ज़रूरी है। जिस तरीके से आप कोरोना वायरस का तोड़ खोज रहे हैं, ये कम्युनल वायरस का भी तोड़ कीजिए। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों, भारत छेड़ो की आज़ादी में जब हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे तो अंग्रेज़ भाग गए थे। याद रखिए, जो अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाया था और देश को विभाजन कर रहा था, कमज़ोर कर रहा था, आज वही भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग कर रहे हैं। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ भारत सरकार से, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से और पुलिस प्रशासन से कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ एक समुदाय के बुज़ुर्ग नहीं थे, वो एक सूफ़ी थे। हिंदुस्तान में उन्होंने अमन, मोहब्बत, शफकत का जो पैगाम दिया वो दुनिया, इसकी दुनिया में जीता जागता मिसाल है। और हमने भी कल सुधानी OP में, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और कटिहार में हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी जाकर वहाँ किया था। लेकिन प्रशासन की जो मानसिकता होती है ना, वो मानसिकता से लड़ना भी एक चैलेंज होता है। सुधानी OP जो थे थाना प्रभारी, उनको दिक्कत है कि उनको लेने में दिक्कत है। उसके बाद जब कटिहार में थाना में गए तो उनको चाहिए वीडियो। पूरे हिंदुस्तान में ये मामला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ज़रूर बिहार में BJP और JDU की सरकार है, तो ज़रूर उस थाना प्रभारी महोदय को बोलना चाहता हूँ कि आप सरकार के नुमाइंदा नहीं हैं, आप पब्लिक के नुमाइंदा हैं। तो ये मानसिकता से ऊपर उठिए। ख्वाजा आपके भी है, ख्वाजा मेरे भी हैं। अगर ख्वाजा की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो वो एक बहुत बड़े सूफी संत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो आप समझिए। तो आज मेरी SP साहब से ये बात हुई, रात में भी मैंने मैसेज किया था, फिर सुबह में उनसे बात हुई SP साहब से। SP साहब ने कहा कि मुझे आप ला के दे दीजिए, इंशाल्लाह जो कार्रवाई होगी उचित हम करेंगे। तो मैं SP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि SP साहब बारसोई में अनुमंडल SDPO के रूप में रह चुके हैं और एक अच्छे खुले जहन के ऑफिसर हैं, एक अच्छे ऑफिसर हैं। उम्मीद है कि अपने थाना प्रभारियों को निर्देश देंगे कि आगे वो कार्रवाई, आगे वो पब्लिक प्लस पुलिस फ्रेंडली जो पब्लिक है वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप SHO हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, तो आप वक्त के हुक्मरान नहीं हैं। याद रखिएगा, हम लोग भी कानून के जानकार हैं, हम लोग भी पेशे से वकील हैं। पुलिस और वकील की जोड़ी एक अच्छी जोड़ी होती है। कोर्ट में हम ही आपको बचाते हैं और कोर्ट में जज साहब के सामने हम ही आपकी वकालत करते हैं। तो ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि अगर कोई कुर्ता पजामा पहन लेता है, अगर कोई किसान है, अगर कोई मजदूर है, अगर कोई स्टूडेंट है, वो दुनिया का कमज़ोर इंसान है। दुनिया का वो कमज़ोर इंसान नहीं है। तो फिर SP साहब का धन्यवाद प्रकट करते हैं कि SP साहब ने ये बात कही, और वो आज हमारे लोग अभी जा रहे हैं और वो वहाँ पर हम लोग जमा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और भारत सरकार से, बिहार सरकार से, DGP महोदय से, सभी से अनुरोध है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। हम वो TV पर खेद व्यक्त वाला वीडियो नहीं चाहते हैं, हम उचित कार्रवाई चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, IPC के तहत जो लॉ है वो चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पर कि हिंदुस्तान में जितना आदिल को, इमरान को, सुनील को, प्रदीप को रहने का हक है, उतना सबको हक है। तो किसी के रहमो करम पे हम नहीं रह रहे हैं। अब भाजपा मानसिकता के जो पदाधिकारी हैं उनको बतला दे रहे हैं, हमेशा सत्ता परमानेंट नहीं रही है। जाकर देखिए कि मणिपुर में सत्ता बदलने जा रही है और हर जगह सत्ता का रोटेशन होता है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो न्याय की कुर्सी है, इंसाफ की कुर्सी है। न्याय कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा तो दुनिया में आपका नाम होगा, और इस जब उस पद से ट्रांसफ़र भी हो जाएगा तो आपको लोग आपको अच्छे कामों से जाने जाएंगे। तो फिर से अनुरोध है कि प्रशासन से कि इस पर उचित कार्रवाई करे और दोषी को सही जगह पर उसका जो इंडियन पैनल कोड के तहत जो धाराएँ हैं वो लगाएँ और कार्रवाई करें, न्याय संगत कार्रवाई करें। और तमाम MIM के लोग से भी गुजारिश है कि हमें न्याय पर भरोसा है, हम न्याय को मानने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, हम पुलिस प्रशासन SP साहब का जैसा उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं कि एक सही निर्णय लेंगे और इंशाल्लाह ताला जो ख्वाजा की शान में जिसने गुस्ताखी की है उसको भी भारत का जो आईन है इंडियन पैनल कोड के तहत उसको सजा मिलेगी। धन्यवाद।